हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक्स लेके आई, जिससे आप अपने सम्स को चुटकियों में कर सकते हैं। मेथड वन, रेनबो टेक्निक। ये देखिए, एग्जांपल फर्स्ट मैंने यहाँ पे शो किया है। टू डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। फोर वन जार फोर। उसके बाद हम रेनबो बनाएंगे, तो देखिए थ्री वन जार थ्री एंड फोर फाइव जार ट्वेंटी। ट्वेंटी प्लस थ्री इक्वल टू 23। 23 का 3 हम यहाँ लिखेंगे एंड 2 हमारा कैरी आया। उसके बाद हमको टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। 5 3 15 प्लस 2, जो कैरी वाला 2 है हम उसको प्लस करेंगे 17। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे। सपोज हमने डिजिट ली 68 मल्टीप्लाई 42। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 16, 16 का 6 एंड 1 कैरी। सेकंड में हम क्या करेंगे, रेनबो बनाएंगे। सेकंड स्टेप में हम रेनबो बनाएंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 32। तो हम यहां लिखेंगे 32 और फिर हम करेंगे 2 6 12। अब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 44। 44 हमारा आया, 1 कैरी को हमने प्लस करा तो यहां हो गया हमारा 45। 5 यहां लिखेंगे और 4 हम कैरी लगाएंगे। उसके बाद हम करेंगे टेंस प्लेस को टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई। 4 6 24। 24 में हम 4 कैरी को प्लस करेंगे तो कितने हुए हमारे 28। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से आप कोई भी डिजिट को कर सकते। अब हम एग्जांपल थर्ड करेंगे। सपोज हमारी डिजिट है 47 मल्टीप्लाई 32। फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। 2 7 14, 14 का 4, 1 हमको कैरी लगाना है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, रेनबो बनाएंगे। ये बन गया हमारा रेनबो। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21 एंड 2 4 8। इसको प्लस करेंगे, हमारा आया 29। 29 में हम इस 1 कैरी को प्लस करेंगे तो क्या होगा 30। 30 में हम यहाँ पे 0 करेंगे एंड 3 हम कैरी लगाएंगे। उसके बाद हमको थर्ड स्टेप में टेंस प्लेस से टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। 3 4 12। 12 में हमने 3 कैरी को जब प्लस किया तो क्या आया हमारा 15। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से आप सभी सम्स को चुटकियों में कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू।